सब्सक्राइब कीजिए हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, नया अपलोडिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं पद्मलोचन आपको हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक हैंडपम्प। ये हाइड्रोलिक हैंडपम्प का कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसमें क्या क्या पार्ट्स लगता है, इसका प्रोसीजर कैसा है, कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे और क्या फॉल्ट, छोटा मोटा जो फॉल्ट आता है इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस टॉपिक में आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जो भी इस टॉपिक, ये इस वीडियो को, इस चैनल में इस टॉपिक को नए देख रहे हैं, काइंडली इस चैनल को, हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ पाएगा। मैं इस चैनल में हाइड्रोलिक रिलेटेड बहुत सारा सर्किट्स और वाल्व्स और इक्विपमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी हाइड्रोलिक रिलेटेड डाउट्स है इस चैनल से आपको क्लियर हो पाएगा। ओके दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें जो हम लोग हाइड्रोलिक हैंडपम्प लिए हैं उसमें क्या क्या पार्ट्स है। एक नंबर में आपका प्रेशर गज, दो नंबर में आपका रिटर्न लाइन वाल्व, तीन नंबर में आपका हैंडल और चार नंबर में हो गया आपका स्प्रिंग जो ब्लू कलर में दिया गया है, इंडिकेटर 1, 2, 3, 4, और जो पांच नंबर में है वो पिस्टन है, छः नंबर में आपका फिल्टर हो गया, सात नंबर में रिलीफ वाल्व, ये दो, आठ नंबर में हो गया आपका बॉल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नौ नंबर में हो गया ऑयल इनलेट पोर्ट और ये रिजर्वर और इसका ये हो गया बॉडी। ये टोटल पार्ट का कंस्ट्रक्शन में आपका हो गया आपका हाइड्रोलिक हैंडपम्प। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, इसमें क्या क्या फॉल्ट आता है, इसको हम लोग देखते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये पम्प को कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग इस पम्प को यूज़ करते हैं कहीं हम लोग को कुछ हैवी मटेरियल को लिफ्ट करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जैक का यूज़ करते हैं। वो जैक को ऑपरेट करने के लिए ये हाइड्रोलिक जो पावर पैक है और जो ये पंप है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। कहीं कहीं हम लोग का कुछ ब्रेक रिलीज़ करना है उस कंडीशन में सिस्टम में इस टाइप का जो पंप है वो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। मान लीजिए किसी वजह से हम लोग का इलेक्ट्रिकल पावर कट हो गया तो हम लोग को उस कंडीशन में ये पंप को ऑपरेट करके हम लोग जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी का वेट लिफ्ट करके रखा है उसको रिलीज़ करना है उस कंडीशन में, मतलब सेवरल कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक मैनुअली हैंडपम्प है। तो इसका जो डिलीवरी लाइन में है हम लोग इसको क्या करेंगे, एक जैक के साथ फिट करेंगे। जैक के साथ फिट करने के साथ ये जो रिटर्न लाइन वाल्व है उसको ओपन कर देंगे तो यहाँ का जो ऑयल है तो टैंक में चला जाएगा। हम लोग पहले क्या करेंगे, इस रिजर्वर को ऑयल से भर देंगे। भरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मान लीजिए हम लोग जैक को पोजीशन करवा दिए। पोजीशन करने के बाद ये जो वाल्व है ये वाल्व को पहले हम लोग ऑफ बंद कर देंगे। जब हम लोग इस वाल्व को बंद कर देंगे तो यहाँ का जो रिटर्न लाइन ऑयल है वो टैंक में और आएगा नहीं। तो ये वाल्व को बंद करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैक पावर पैक का जो हैंडल है, जो हैंडपम्प का हैंडल है उसको ऑपरेट करेंगे। जब उसको ऑपरेट करेंगे तो क्या करेगा, ये जो फिल्टर है ये फिल्टर के थ्रू होते हुए ये क्या करेगा, ऑयल यहाँ से सॉक करने लगेगा। ये यहाँ से ऑयल सॉक करेगा तो ये यहाँ का जो ऑयल है वो इधर से होते हुए वो पिस्टन का जो बोर एंड है उसमें घुस जाएगा और इसमें घुस जाएगा। जब हम लोग फिर हैंडल को लोअर करेंगे, मतलब अभी हैंडल लिफ्ट किए थे तो यही यहाँ से ऑयल सॉक किया। ओके, यहाँ से ऑयल सॉक करके यहाँ से वो बोर के अंदर घुसा। जब हम लोग हैंडल को फिर डाउन करेंगे तो ये बोर का जो ऑयल है यहाँ से वो होते हुए आगे जाएगा। इसी टाइप का मतलब हम लोग रेसिप्रोकेटिंग करेंगे तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप के तरह ये सॉक करेगा, फिर उसी रास्ते वो आगे डिलीवरी करेगा। इसी टाइप का कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो ये यहाँ का जो ऑयल है वो आगे भेजता रहेगा। ओके दोस्तों, जब हम लोग का अप्रोप्रिएट रीच हो जाएगा, मतलब हम लोग का जितना लिफ्ट करना है उसका जो स्टॉक लेंथ है उसी हिसाब से, अगर हम लोग का स्टॉक लेंथ ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस नॉब को फिर से रिलीज कर देंगे तो यहाँ का जो ऑयल है पूरा इधर से होते हुए ड्रेन हो जाएगा। मान लीजिए उसी बीच हम लोग का क्या हुआ, लोड ज़्यादा हो गया, हम लोग का जो एक्चुएटर है उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा है,
उस कंडीशन में हम लोग का इधर क्या दिया है, रिलीव वाल्व दिया है, तो वो क्या करेगा, यहीं से वो रिलीज कर देगा ऑयल, ये स्प्रिंग का ऑपोजिट में ये बॉल आगे शिफ्ट होगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, तो ड्यू टू हाई लोड ये क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा ऑयल, तो यहीं से वो क्या करेगा, यहीं से ऑयल रिजर्वर को ऑयल रिटर्न कर देगा। तो उसी कंडीशन में हम लोग का ये जो पंप है ऑपरेट होगा, यहाँ से शॉक करके वो आगे देगा, मतलब आगे वो एक्चुअल मतलब जो हाइड्रोलिक जैक है उसको डिलीवरी करेगा। अगर इसका लोड ज़्यादा हो गया उस कंडीशन में, ये जो रिलीव वाल्व दोनों लगा है इस कंडीशन में, उस रिलीव वाल्व से जो ऑयल है वो टैंक में वो रिटर्न कर देगा। बीच बीच में हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो हम लोग हाइड्रोलिक जैक को यूज़ करते हैं वो मतलब क्या है, कोई कोई जो जैक है वो स्प्रिंग रिटर्न होता है, मतलब सेल्फ लोड से वो रिटर्न होगा। मतलब हम लोग सिलेंडर के ऊपर ये जो नॉब है, ये जो कपलिंग है, इसको खोल देंगे, मतलब सिलेंडर खुला हुआ है और कपलिंग को खोल दिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो उसका जो NRB टाइप का लगा होगा चेक वाल्व है वो उधर से ऑयल आ नहीं पाएगा। उस कंडीशन में हम लोग को जो रॉड है निकला हुआ है बाहर, उसको हम लोग क्लोज करने के लिए जो आगे का बॉल है उसमें एक रॉड को लेके, जो होल्डिंग रॉड है किसी भी चीज़ से, उसको जैसे बॉल को स्क्रैच ना हो उसी टाइप का हम लोग क्या करेंगे, उसको दबाएंगे तो वहाँ का मतलब जो जैक का जो ऑयल है वो बाहर आ जाएगा, जैक का जो रॉड है वो अंदर घुस जाएगा। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो कपलिंग है, जो पावर पैक का कपलिंग और जो जैक का कपलिंग है, तो उसको हम लोग प्रॉपरली अटैच नहीं करते हैं, मतलब फिट नहीं करते हैं, जिसके वजह से हम लोग पावर पैक को ऑपरेट करते हैं बट ऑयल आगे नहीं जा पाता है। तो इसलिए हम लोग पूरा प्रॉपरली ये दोनों जो बॉल रहता है, इधर का एक कपलिंग का, इधर का बॉल और इधर का बॉल, इधर का जो बॉल है जो भी पार्ट है, ये पूरा प्रॉपरली दोनों मैच होना चाहिए, मतलब यहाँ से जैसे ऑयल इधर तक पास हो पाए। तो उसी टाइप का हम लोग को प्रॉपरली कपलिंग को सेट करना है, सेट करने के बाद पावर पैक को ऑपरेट करना है, ऑपरेट करेंगे तो हम लोग का जो जैक है वो अच्छा से ऑपरेट हो पाएगा। और किसी किसी कंडीशन में हम लोग रिजर्वर में ऑयल डालना भूल जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग मारते ही थोड़ा जितना भी ऑयल है उसको ऑपरेट करता है, उसके बाद मारते रहते हैं तो ऑयल रहेगा तो आगे तो डिलीवरी करेगा। उस कंडीशन में हम लोग का क्या होता है, ऑयल नहीं रहने की वजह से वो जो हाइड्रोलिक जैक है उसको ऑपरेट नहीं कर पाता है। ओके दोस्तों, तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है जो कुछ जिसको हम लोग इसको ऑपरेट करने के टाइम ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स को ध्यान देना है और इसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। जैसे इसमें मतलब कि ऑयल डालने के टाइम कुछ कचरा अंदर ना जाए, और छोटा छोटा लीकेज विकेज है जितना भी है उसको हम लोग अरेस्ट करके इसको ऑपरेट करेंगे तो हम लोग का पावर पैक जो है स्मूथ चलेगा। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल को नए देख रहे चैनल में इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो काइंडली हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।